बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू जनरेट एंड देन ऐड रेफरेंसेस ऑफ अ पेपर इन योर थीसिस पेपर्स आर्टिकल्स रिसर्च प्रपोजल एट्सेट्रा। तो वीडियो आगे प्रोसीड करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नई आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो आप लोगों ने डिफरेंट थीसिस पेपर्स आर्टिकल्स और रिसर्च प्रपोजल में जो है रेफरेंसेज देखे होंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने अपने जो थीसिस होते हैं पेपर्स होते हैं उसमें इस पेपर से हेल्प ली है और इस पेपर से हमने पॉइंट्स अपने पेपर्स या थीसिस में ऐड किए हैं। तो पहले आप लोगों को दिखाता हूँ रेफरेंसेस के रेफरेंसेस कैसे होते हैं, कॉपी होते हैं। ये है एक पब्लिश रिसर्च पेपर है, आप लोगों ने नीचे आना है, सबसे नीचे आप लोगों को रेफरेंसेस का पोर्शन मिलेगा। तो ये है जी रेफरेंसेस, इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ऐड किए, ये सारी रेफरेंसेस हैं। तो इसी पे बात करते हैं कि ये कैसे जनरेट होते हैं। फिर ये आप लोगों को थीसिस शो कर रहा हूँ, इसमें भी आप लोगों को रेफरेंसेस मिल सकते हैं। लास्ट में ये है रेफरेंसेस का पोर्शन है, ये आप लोग देख सकते हो, थीसिस में भी इन्होंने ऐड किए हैं। इसके साथ साथ रिसर्च प्रपोजल में भी रेफरेंसेस होते हैं, ये एक रिसर्च प्रपोजल है। यहाँ पे लास्ट में आप लोगों ने आना है, ये है जी रेफरेंसेस। तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल में भी रेफरेंसेस ऐड हुए हैं। तो ये कैसे जनरेट करते हैं इसी पे बात करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसा करना है कि ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आना है गूगल स्कॉलर में, गूगल स्कॉलर आप लोगों ने सर्च करना है। ये हो गया जी ओपन, गूगल स्कॉलर ओपन हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने किसी पेपर या थीसिस से हेल्प ली है, कुछ मटेरियल्स वहाँ से कॉपी किए और अपने पेपर या थीसिस में ऐड किए, तो अब मैंने उस पेपर या थीसिस के जो है रेफरेंसेस कैसे देने। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पेपर से हेल्प लिए और इस पेपर का मैं रेफरेंस जो है जनरेट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। तो आप लोगों ने ये पेपर जो है सर्च करना है, ये पेपर का नेम है, मैंने कंट्रोल सी कॉपी किया और इसको यहाँ गूगल स्कॉलर में सर्च कर देना है। ये मैंने पेस्ट किया और ये सर्च करता हूँ, तो ये आ गया जी वही पेपर। अगर मैंने इस पेपर से कुछ मटेरियल्स ली है तो अब मैं इसका रेफरेंस कैसे जनरेट करूँगा। तो आप लोग ये सेकंड सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स में इस पेपर के रेफरेंसेज आ गए, MLA, APA, इसके साथ साथ दो तीन और हैं। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से फिर इस पेपर का रेफरेंस ऐड करना है। इस पेपर में अगर हम देख लें तो लास्ट में इन्होंने रेफरेंस ऐड किया था इस पेपर का, ये आप लोग देख सकते हैं हाउ टू साइट दिस आर्टिकल, मतलब कि इस पेपर का रेफरेंस है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये कौन सा स्टाइल इन्होंने चूज़ किया है। यहाँ पे ये हमारे पास हार्वर्ड का जो है रेफरेंस स्टाइल है इन्होंने चूज़ किया है, ये आप लोग देख सकते हो, सेम टू सेम यही रेफरेंस इन्होंने अपने पेपर में यहाँ पे लास्ट में लिख का है। तो इसी तरह से आप लोग किसी भी स्टाइल का रेफरेंस जनरेट कर सकते हो और फिर उसको अपने पेपर या थीसिस में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।